हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज फिर से मैं रात में सिलाई कर रही हूँ। आज नहीं, मैं रोज़ ही रात में सिलाई करती हूँ, क्योंकि मुंबई में वैसे भी रात तक के ज़्यादा रात तक जागते ही हैं और सुबह आराम से उठते हैं, तो मैं रात में ही सिलाई ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि जो मैं ट्राउज़र पैंट सिलती हूँ, जींस ट्राउज़र पैंट कंपनी की, तो उससे मुझे बहुत सुकून से सिलना रहता है। तो रात का और सुबह का वक्त सिलने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सुबह जल्दी उठ के और रात में लेट नाइट पैंट सिलती हूँ। तो ये अभी भी मेरा बेटा तलहा सो गया है और मैं टीवी चालू करी हूँ, उसमें मेरा ही ब्लॉग आ रहा है, तो ताकि मेरा मन लगे सिलने में। और इधर हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, जो भी नई पीसेस आती है सिलने के लिए, तो कटिंग शटिंग वगैरह ये सब वो कर देते हैं और हम लोग बातें करते रहते हैं, तो मेरा इतनी टाइम कुछ सिल जाता है। और ये देखिए, मैं अभी बेल्ट लगा रही थी तो बेल्ट लगा के हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये पैंट है, ब्लू कलर की 4-वे पैंट है जिसमें बेल्ट लग गई है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये सिल के आती है और फिर बाद में ये कारखाने जाएगी। तो इसको हमने पूरी सिल दिया है। अब इसका आगे का प्रोसेस, जाके जो भी बाल टेक लगना है या इसमें फिर हेमिंग, प्रेसिंग, पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें ये कारखाने जाकर होएगी वापस से। तो इस तरह से पीसेस आती है कट कर और उसको मुझे सिलना रहता है। तो ये मैं काफ़ी दिनों से सिल रही हूँ, काफ़ी साल से सिल रही हूँ। मैं घर में ही, मेरा ये छोटा सा कारखाना एरिया है जिसमें मैं ये कंपनी की 2-वे 4-वे पैंटें सिलती हूँ, जो कि अरमानी और जारा जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड की ये आती है पैंटें सिलने के लिए। तो ये आज मेरा सुबह, मुझे ये जो भी मेरे पास हफ्ते भर से सिली पैंटें रखी हुई थी, ये मुझे सुबह कारखाने भेजनी है, तो इसे मैं पैक कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे गिनती मार के इसको नोट डाउन करके उसके बाद मुझे पैकिंग करना रहता है, क्योंकि ये नेक्स्ट डे ये कारखाने जाएगी। मेरे पास इतनी सिल चुकी थी पैंट। तो जो भी आप ये पैंटें देख रहे हैं, ये हफ्ते भर में मैंने इतनी पैंटें सिली है। तो अभी मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है, पहले मैं रेगुलर सिला करती थी, तो ये जितनी पैंटें आपको दिख रही है हफ्ते भर में, इसके डबल आपको पैंट देखने को मिलती। पर अभी मैं वापस स्टार्ट करी हूँ तो धीरे धीरे सिलती हूँ। तो इधर आप देख रहे हैं, मैं बैठकर ये सारी पैंटें पहले अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉट डाउन करना है। तो इसमें 2-वे 4-वे अलग अलग कपड़े की पैंटें सिली हुई है, तो सब अलग अलग नॉट डाउन भी करना रहता है। तो अभी मैं सिर्फ अलग कर रही हूँ बैठ के। तो ये जिस दिन कारखाने जाना रहता है ये सारी पीसेस सिल के, तो उस दिन ये सब काम बढ़ जाता है मेरा। तो उसकी मैंने कभी भी इस तरह से वीडियोज़ नहीं बनाई। ये मेरे हस्बैंड मेरी ये सारी हेल्प कर देते हैं, जो भी सिली हुई पैंटें रहती है वो अलग करके, नॉट डाउन करके सारी कर देते हैं। तो आज मुझे वीडियो बनाना था तो मैं बैठी हूँ, और आप देख सकते हैं रात का वक्त है, अभी 1 बज रहे हैं और मेरा बेटा तलहा सो गया है। 7 बजे सुबह उसका स्कूल है और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, फिर मैं इस तरह से मैंने 2-वे और 4-वे पैंट को अलग कर लिया है, जो भी मैंने सिला था, और फिर अब मैं इसको फ़ोल्ड करके और फिर इसको मैं पैक करूँगी। तो ये जो भी मेरी पैंटें हैं, अभी तो मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद मुझे नोट डाउन करना है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मैं टैलेंटेड हूँ माशाल्लाह से, कि मैं लेडीज़ होके भी और घर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की ब्रांड की मैं पैंटें सिलती हूँ। तो अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि इतना बड़ा काम कर रही हूँ मैं। बीच में मैंने इसे छोड़ भी दिया था, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी, वापस से मैंने स्टार्ट किया है। मेरे हाथ की सिली पैंट कभी अल्टर नहीं आता है माशाल्लाह से, मैं बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से मैं बनाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पैंटें मैं सिल रही हूँ। अभी आगे आप मुझे सिलते हुए भी देखेंगे कि मैं किस तरह से सिलती हूँ। तो अभी मैं जस्ट अभी मैं बेल्ट लगा कर उठी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मुझे नींद आ रही है। तो नींद ना, इसलिए मैं अभी टीवी मैं अपने ही व्लॉग लगाई हूँ और टीवी देखते देखते ये सारा काम हो रहा है। तो ये इस तरह से ये जंबो थैली में मैं इसको पैक कर रही हूँ। तो अभी तो जो आप देख रहे हैं ये एक जंबो थैली कारखाने जा रही है, नहीं तो हफ्ते भर में 2-2 जंबो थैली कारखाने जाती थी। अभी मेरा कम हो गया है सिल के। तो इस तरह से कि वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ, और बाकी मेरे चैनल पर आपको मुंबई के से रिलेटेड कई सारी जगहों के व्लॉग दिखेंगे और लाइफ स्टाइल ड्रेसेस, ट्रेंडी ड्रेसेस, मार्केटिंग की भी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर ये देखिए, मेरा 2-वे जितना भी था वो मैंने
पैक करके फोल्ड करके उसको नॉट डाउन कर लिया है। और अब मैं ये फोर वे पैंट जो होती है जीन्स टाइप ये कपड़ा होता है फोर वे का, तो अब मैं अरमानी की ये पैंटें हैं तो अब मैं इसको सारी फोल्ड कर रही हूँ। ये फोल्ड करके ये भी पैक करूँगी और मुझे नॉट डाउन करना है। कलर अलग अलग है, कलर अलग नहीं करना है मुझे, सब एक साथ भेजना है। वहाँ जाके सब कलर अलग हो जाएगा कारखाने में, वहाँ जाके ये इसकी पूरी शक्ल बदल जाएगी। ये लगेगा नहीं कि हमने खुद सिला, ये पूरी हेमिंग प्रेसिंग और पैकिंग बार टेक और सारी धागा कटिंग वगैरह जब हो जाता है तो ये पैंट जब पैक होके आती है तो इतनी अच्छी लगती है। और इसमें सारा ब्रांड के इसमें टैग वगैरह लग जाते हैं तो ये पैंटें बहुत अच्छी लगती है। मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मेरे हाथ की सिली पैंटें हैं। मैंने अपने हस्बैंड के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए और अपने बेटे के लिए भी मैं पैंट सिलती रहती हूँ। कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने अपने हस्बैंड के लिए हमेशा पैंट बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरा गिनती मार के और सारी फोल्ड करके हो गया, तो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। तो इस तरह से जो भी पैंटें सिल जाती है उसको कारखाने भेजकर फिर मैं नोट डाउन करके उसको रख लेती हूँ। तो एक दिन में अभी मैं 5 से 6 पैंट बना ले रही हूँ, पहले मैं और ज़्यादा बना लेती थी। तो ऐसे कम ज़्यादा मेरा होता रहता है, साथ में मुझे अपना घर भी देखना रहता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना और घर के सारे काम, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें भी साथ में रहती है। उसके साथ साथ मैं घर बैठे इतना काम कर लेती हूँ। तो अगर ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।